खुले बोरवेल को तत्काल करें बंद, नहीं तो होगी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने जनसाधारण की सुरक्षा हेतु अनुपयोगी व खुले नलकूपों बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने की घटना संज्ञान में आने पर उक्त घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 के तहत छतरपुर जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नहीं किया जाता है या जिन बोरवेल में मोटर नहीं डाली जाती है तथा जिसमें बोर कैप नहीं लगा हुआ है, उक्त खुले बोरों में बोर कैप संबंधी मकान मालिक, किसान या संस्था को लगवाने हेतु आदेशित किया गया है। अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेल लोहे के मजबूत ढक्कन आदि से मजबूती के साथ बंद किए जाएं। यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगी। सर, बोरवेल पे भी एक आपने आदेश जारी किया है कि जो खुले बोरवेल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि छतरपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इस पे अभी तक क्या पाबंदियां और किस तरह की और सख्तियां बरती जाएंगी? मेरा सबसे पहले सभी छतरपुर के वासियों से एक निवेदन है कि हम लोग ये इंश्योर करें कि ऐसे खुले बोरवेल्स को बंद करें, क्योंकि अपने बच्चे ही उसमें खतरे में डले रहते हैं। इसको बंद करें, इसके लिए वैधानिक कार्रवाई जितने भी है, अभी FIR भी दर्ज हुए उसी संबंध में वादे। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्ण नगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब्रज क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।